रोजगार के लिए बिहार का एक बड़ा कुनबा दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर समेत देश के कई बड़े शहरों में बसा है। पर जैसे ही त्योहार का मौसम आता है, सभी अपनी मिट्टी की ओर लौटने की जुगत में लग जाते हैं। दिवाली और छठ ऐसे त्योहार हैं जो अपने घर, अपने गांव की याद दिलाते हैं। साल भर के बाद यह एक बड़ा मौका होता है जब बिहार से बाहर रहने वाले लोग अपने घर लौटते हैं। इस बार दिवाली 7 नवंबर को है तो छठ 11 से लेकर 14 नवंबर तक मनाया जाएगा। ऐसे में अगर आप भी पूजा में शामिल होने के लिए फ्लाइट से घर आने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको अपना बजट और ज़्यादा बढ़ा लेना होगा। जी हाँ, क्योंकि त्योहारों का सीज़न चल रहा है और इस फेस्टिव सीजन में बिहार आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने से हवाई जहाज के किराए में भी काफ़ी वृद्धि देखी जा रही है। दिवाली से छठ के आसपास देश के अलग अलग शहरों से पटना आने वाले फ्लाइट्स के टिकट आसमान छू रहे हैं। आपको बता दें कि अन्य दिनों की अपेक्षा हवाई किराए में 2 से 4 गुना की वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा डिमांड पटना दिल्ली रूट की है। नई दिल्ली से पटना के लिए 3 नवंबर को विभिन्न विमान कंपनियों का किराया 10 से लेकर 15 हज़ार रुपये है। 4 नवंबर को 10 से लेकर 18 हज़ार, 5 नवंबर को 10 से लेकर 16 हज़ार, 6 नवंबर को टिकटों के दाम 10 से लेकर 23 हज़ार रुपये के बीच चल रहे हैं। वहीं त्योहारों के समाप्त होने के बाद भी टिकट के मूल्यों में कमी नहीं दिख रही है। पटना से वापसी का किराया भी बढ़ा हुआ है। छठ के बाद 15 नवंबर को पटना से नई दिल्ली का किराया 7 से लेकर 11 हज़ार है। 16 नवंबर को किराया 6 से लेकर 14 हज़ार रुपये है। वहीं पटना से मुंबई का किराया 15 नवंबर को 11 से लेकर 15 हज़ार रुपये है, तो बेंगलोर का किराया 9 से लेकर 24 हज़ार के बीच है। बहरहाल दिवाली और छठ को देखते हुए एविएशन कंपनियों ने अपने किराए में इजाफा तो कर दिया है। ऐसे में ऑफ सीजन की तुलना में पैसेंजर्स को टिकट्स के लिए अपनी जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ रही है। लाइव सिटीज़ के लिए जय भास्कर की रिपोर्ट।